कल के लेक्चर में हमने बेसिक पोर्शन देखा था अबाउट सी प्लस प्लस और सिंटैक्स के बारे में समझने की कोशिश की थी. नाउ वी विल सी व्हाट आर द वेरिएबल्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स वी यूज्ड इन सी प्लस प्लस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट इफ वेरिएबल्स, वेरिएबल इन सी प्लस प्लस. तो जैसा कि आप लोग सी में पढ़े थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल. First one is called a local variable and second one is global variable. So there are two types of variable also in C++. First one is a local variable and second one is global variable. जब भी हम local variable की बात करते हैं, local variable, then all the variables should be declared or defined inside the function or inside the method. So a variable which are declared inside the function method is known as a local variable. Second thing, अगर हम local variable कह रहे हैं या फिर एक variable को हम local variable की तरीके से assign कर रहे हैं तो क्या होगा? पहला चीज कि by default जो वैल्यू होगी लोकल वेरिएबल की, बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल दैट विल बी गार्बेज वैल्यू. ठीक, बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल इज अ गार्बेज वैल्यू. अगर हम कोई वेरिएबल लिखते हैं लेकिन उस वेरिएबल को हम डिफाइन नहीं करते, लाइक एज ए फॉर एग्जाम्पल कि हम लिख रहे हैं हैश इंक्लूड आयुष स्ट्रीम डॉट एच इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल्स. उसके बाद हम क्या करते हैं, नेम स्पेस का यूज करते हैं. देन वी यूज नेम स्पेस यूजिंग नेम स्पेस एंड स्टैंडर्ड. देन वी अप्लाई सेमी कॉलन. This one is the basic thing. कल आपको मैंने एग्जाम्पल में एक्सप्लेन भी किया था what is the use of namespace. अगर हम namespace यूज नहीं करना चाहें then what we will do. इसके बाद हम मेन फंक्शन लेंगे like as int main और ये हमारे मेन फंक्शन की बॉडी ओपन होगी, यानी प्रोग्राम की बॉडी ओपन होगी. अब जो भी वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है वो सारा हमारा डिक्लेयर होगा मेन फंक्शन के अंदर अगर लोकल वेरिएबल है, लाइक एज वी डिक्लेयर इंट ए बी और सी सेमी कॉलन. तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम ए बी सी बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं ले रहे, सॉरी ए बी सी की कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे, जैसे सपोज करिए मैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हमने सी की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 10 से और बी की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 20 से, लेकिन ए की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया है, देन बाय डिफॉल्ट इफ ए इज द लोकल वेरिएबल, हमारे इस एग्जांपल के केस में ए लोकल वेरिएबल है, देन बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल मींस बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए विल बी गार्बेज वैल्यू. कोई भी वैल्यू आ सकती है, वो सबके सिस्टम में अलग अलग होगा. सो दिस वन इज द केस व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल इज अ लोकल वेरिएबल. Then there by default value is a garbage value. अगर हम यही global variable की बात करें, so a variable which are defined outside of all the functions. Global variable. So a variable which are defined outside of the function
ऑब्लिक मेथड, then this one is known as a global variable. And when we declare a variable as a global variable, then by default value of global variable is zero. अगर कोई वेरिएबल हमारा ग्लोबल वेरिएबल है देन बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू जीरो होगी, चाहे हम असाइन कर रहे हैं, सॉरी अगर हम असाइन कर देंगे तो जो वैल्यू असाइन किया वो लेगा, लेकिन अगर हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है ए बी सी, सो दीज वन आर नोन एज अ लोकल वेरिएबल। और अगर हम ग्लोबल वेरिएबल के केस में एग्जांपल लें, सो दिस वन हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस, स्टैंडर्ड सेमीकॉलन मेन फंक्शन इंट मेन एंड इनसाइड मेन वी टेक इन फंक्शन बॉडी एंड इनसाइड दिस वी डिक्लेयर वेरिएबल लाइक एज इंट ए। वेरिएबल की वैल्यू हमने असाइन नहीं किया इस केस में, दूसरा वेरिएबल लिया बी इसकी वैल्यू हमने 10 असाइन की, तीसरा वेरिएबल लिया सी इसकी वैल्यू 20 असाइन की, सो दिस वेरिएबल इज नोन एज अ लोकल वेरिएबल। लेकिन अगर यही मैंने इस मेथड के अंदर से या फंक्शन के अंदर से बाहर डिफाइन किया, मीन्स आउटसाइड द फंक्शन हमने यहां पे डिफाइन किया, सो दिस वेरिएबल इज नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल। नाउ दिस वेरिएबल इज नोन एज अ ग्लोबल वेरिएबल बिकॉज वी हैव डिक्लेयर इट आउटसाइड द फंक्शन। और इस केस में हमारे b की वैल्यू 10 ही रहेगा, c की वैल्यू 20 ही रहेगी, लेकिन a की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी जीरो। और यहां पे हमारा जब लोकल वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है, सो इस केस में a की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कोई भी गार्बेज वैल्यू आ सकती है, हर एक के सिस्टम पे अलग अलग गार्बेज वैल्यू भी दे सकता है। सो दिस वन इज द ग्लोबल वेरिएबल कॉन्सेप्ट एंड लोकल वेरिएबल कॉन्सेप्ट। अब इन वेरिएबल्स को यूज करने में, जब भी हम इस वेरिएबल्स को यूज करेंगे तो ये समझना चाहिए कि हम कौन कौन से डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं, किस किस डेटा टाइप का हम यूज कर रहे हैं। जैसे आप सी और सी प्लस प्लस के केस, सॉरी सी के केस में इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट डबल लॉन्ग ये सारे यूज करते थे, उसी तरीके से सी प्लस प्लस में सारे डेटा टाइप का यूज करेंगे। सो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें नाम देना पड़ता है वेरिएबल का, और जो वेरिएबल का नाम होता है वही मेमोरी का लोकेशन होता है। सो अ वेरिएबल इज द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम, दिस वन इज द बेसिक यूनिट। अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं देन दिस वन इज द बेसिक यूनिट। ऐसा नहीं है कि हम कोई वेरिएबल एक बार इनिशियलाइज कर दिए तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करते, जब भी आवश्यकता पड़ेगी प्रोग्राम में तब हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मतलब फिक्स नहीं होता है कि आपने एक बार वेरिएबल की वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया और इन फ्यूचर उसको चेंज ना कर पाए। और चाहे सी हो चाहे सी प्लस प्लस हो, हमेशा दोनों के केस में वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स यूज।
डिक्लेरेशंस पहले होना चाहिए तभी उसका यूज होगा। हम बाद में अगर डिक्लेयर कर रहे हैं तो प्रोग्राम हमारा रन नहीं करेगा। सो जैसे मैंने इस केस में अगर एग्जांपल में देखिए तो इंट ए लिया है। एक एग्जांपल हम लेते हैं समझने के लिए, और सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे इंट ए लिया, इंट ए, और इसकी वैल्यू हमने 10 असाइन कर दी। So this one is the variable declarations. This one is the variable declarations. एक वेरिएबल लिया जिसका नाम a है और उसकी वैल्यू हमने 10 असाइन की है। Then here int is a data type. Integer is a data type. जैसे आप लोग सी में पढ़े थे। a क्या है? हमारा वेरिएबल का नाम है और 10 क्या है? वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे ही हम ये डिक्लेयर करेंगे देन मेमोरी में जाएगा। मेमोरी में किस में जाएगा? रैम में। तो रैम के अंदर जाएगा तो रिजर्व मेमोरी करेगा वेरिएबल्स के। वेरिएबल का नाम क्या है? ए है, तो ए के लिए मेमोरी रिजर्व कर देगा। कितना करेगा? डेटा टाइप डिफाइन करेगा कि 2 बाइट करना है या 4 बाइट करना है, और कौन सी वैल्यू उस ब्लॉक के अंदर असाइन होगी? 10। मतलब एक ब्लॉक कटेगा जिसकी साइज 4 बाइट होगी अगर 64 बिट का कंपाइलर है, और उसके अंदर वैल्यू होगी हमारी 10। सो दिस वन इज द डिक्लेरेशंस हाउ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल। अब इसके बाद हमारा आता है कि कौन कौन से हम डेटा टाइप यूज करते हैं, कौन कौन से हम डेटा टाइप यूज करते हैं। तो डेटा टाइप यूज करने से पहले आप लोग सी में पढ़े थे कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। और कौन कौन सा था वो? प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप लोगों ने पढ़ा था इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट, डबल लॉन्ग। प्रिमिटिव में पॉइंटर पढ़ा था, सॉरी डिराइव्ड में पॉइंटर पढ़ा था, एरे पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था, और यूजर डिफाइंड में स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनम पढ़ा। तो अब देखिए इसमें सारे कॉन्सेप्ट तो सी वाले होंगे नहीं, बिकॉज दिस वन इज नॉट एन स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। C++ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सारे कॉन्सेप्ट नहीं होंगे जो आपने सी में पढ़ा। हाँ, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट, अधिकतर कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट को भी ऐड किया जाएगा। सो अगर हम वेरिएबल्स की बात करें, दैट वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल डिक्लेरेशंस में आप लोग जानते हैं कि क्या क्या वेरिएबल डिक्लेरेशंस होते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट जो आपने सी में पढ़ा था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, कोई ज्यादा उसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। डेटा टाइप वही है जो आपने सी में पढ़ा हुआ है, सेम डेटा टाइप। जैसे इंटीजर हमारा 4 बाइट लेता है, इंटीजर होता क्या है? बिना दशमलव वाले नंबर होते हैं, सो इंटीजर डेटा टाइप will take 4 byte and store whole numbers without decimals. Float भी 4 byte लेता है and it store fractional number containing one or more decimal sufficient for storing 7 decimal digits. दशमलव के 7 अंक तक ही float के अंदर आ सकते हैं, और अगर 7 से ज्यादा लेना है, मीन दशमलव के बाद 7 digits से लेकर के 15 digits तक, then we use a double. Then double data type will take 8 byte and it store fractional number containing one or more decimal sufficient for storing 15 digit. Boolean हमारा 1 byte लेता है, और Boolean क्या करता है? True or false के रूप में value देता है। Character भी हमारा 1 byte लेता है
एंड दिस वन स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर या फिर लेटर या फिर ASCII वैल्यू। तो ये सारे डेटा टाइप हैं, ये डेटा टाइप होते हैं, इनको हम देखेंगे। और अगला चीज ये है कि आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने सी में पढ़ रखा है, कुछ नया नहीं है। अभी नया जब शुरू होगा तो उसमें प्रेशराइज किया जाएगा आप लोग, लेकिन ये सारी चीजें वो हैं जो आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। ये समझा जाता है कि आपने फर्स्ट ईयर में ये सारी चीजें पढ़ लिया है। सो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, सी प्लस प्लस में आइडेंटिफायर क्या होते हैं। देन ऑल सी प्लस प्लस वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाइड with unique name and these unique name are called identifier. Identifier can be short name like x and y or more descriptive name like as age, sum, total volume. So जो भी आप variables लेते हैं, हर एक variable का unique name होता है और यही name हमारा identifier कहलाता है। जैसे int a is equal to 10, ये आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन किया, तो यहां पे ए जो है वही आपका आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो जब भी हम आइडेंटिफायर यूज करते हैं या फिर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं, तो हम यही कोशिश करते हैं कि कम से कम जो नाम ले रहे हैं वो नाम हमारा एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में हो, मीन्स इजिली अंडरस्टैंडेबल। ये नहीं कि एक्स वाई ले लिया, जैसे आपको सम निकालना है देन यू कैन यूज द नेम एज ए सम। वॉल्यूम निकालना है तो वेरिएबल का नाम वॉल्यूम डालो, मिनट पर आवर डाला है, जैसे इस एग्जांपल में दिया है इट इज रिकमेंडेड गुड इफ यू आर यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशंस और वेरिएबल असाइनमेंट। तो इंट मिनट्स पर आवर ये ठीक है, लेकिन आप उन्हें int m is equal to 60 लिख देंगे तो देखने वाला, आप बनाए हुए तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन खुद ही अगर 10 दिन बाद उठाओगे तो समझना पड़ेगा कि ये m क्या है। लेकिन अगर मिनट पर आर लिखे हुए हो तो वो पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो कुछ जनरल रूल्स हैं वेरिएबल नेम के लिए, यानी कि आइडेंटिफायर्स के लिए, और वो क्या है। पहला कि नेम कैन कंटेन लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर। नेम मस्ट बिगिन विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर। नेम आर केस सेंसिटिव, जैसे माय वेरिएबल एंड माय वेरिएबल, कैपिटल वी और स्मॉल वी दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो जो भी वेरिएबल लेंगे वो हमारा केस सेंसिटिव है। नेम कैन नॉट कंटेन व्हाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर लाइक एज हैज परसेंटेज एट द रेट एटसेट्रा। एंड लास्ट वन, रिजर्व वर्ड लाइक सी प्लस प्लस कीवर्ड सच एज इंट कैरेक्टर फ्लोट डबल लॉन्ग इट कैन नॉट बी यूज एज नेम वेरिएबल नेम। वी कैन नॉट यूज दीज डेटा टाइप्स एज अ वेरिएबल नेम। सो दीज वन इज द आइडेंटिफायर्स एंड सम रूल्स रिगार्डिंग द आइडेंटिफायर। नेक्स्ट वन है कि कांस्टेंट क्या होता है। तो आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो कांस्टेंट ही है, जैसे यहां पे 15 दिया तो 15 है तो 15 ही है, 10 दिया है तो 10 ही है। लेकिन अगर हमने किसी भी वेरिएबल डिक्लेरेशंस, जैसे ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशंस है और वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया गया है, माय नाम वेरिएबल का नाम है और 15 वैल्यू असाइन किया गया है डेटा टाइप इंटीजर में, लेकिन अगर उसके पहले मैंने कांस्टेंट यानी कांस्ट कीवर्ड लगा दिया तो जो माई नम के वैल्यू हमने असाइन किया है वो फ्यूचर में कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर कांस्टेंट नहीं लिखा तब तो आप फ्रिक्वेंटली जब चाहिए तब चेंज करिए, लेकिन अगर हमने फिक्स कर दिया कांस्टेंट लिख करके देन हम उस नंबर की वैल्यू को 15 से 10 नहीं कर सकते, जो इस एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखाया गया है। ठीक, मीन्स यू कैन रीड दैट वेरिएबल, कैन नॉट राइट और कैन नॉट मॉडिफाइड दैट वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड एज अ कॉन्स्टेंट।
सो वेन यू डू नॉट वॉन्ट अदर्स टू ओवरराइड एग्जिस्टिंग वेरिएबल वैल्यूज यूज द कॉन्स्टेंट की वर्ड एंड दिस विल डिक्लेयर द वेरिएबल एज अ कॉन्स्टेंट विच मीन्स अनचेंजेबल एंड रीड ओनली फॉर्मेट। अच्छा इनपुट कैसे देंगे, कल हमने देखा था आउटपुट के लिए सी आउट यूज करते हैं, इनपुट के लिए सी इन यूज करेंगे। मींस जो सी में स्कैन फंक्शन होता था, सी प्लस प्लस में स्कैन एफ के जगह पे सी इन का यूज करेंगे। सो इनपुट के लिए वी यूज सी इन इज द प्री डिफाइंड वेरिएबल दैट रीड फ्रॉम द कीबोर्ड विद द एक्सट्रैक्शंस ऑपरेटर। हम सी आउट में इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते थे, लेकिन सी इन में मतलब जब स्कैन करेंगे तो एक्सट्रैक्शंस ऑपरेटर यूज करेंगे।